दोस्तों आज बात करते हैं डॉग फ्लावर के ऊपर कि आप इससे इतनी अच्छी ब्लूमिंग कैसे लें, क्योंकि इस टाइम जो हमारा डॉग फ्लावर है बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे इसमें हर जगह कलियां बनी हुई है। ये कलियां कैसे बनती हैं ये सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा, उमस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो डॉग फ्लावर है बिल्कुल सनलाइट पे रहने वाला फ्लावर है। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है तो आप इसको थोड़ा सा शेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, जिससे कि जो आपका प्लांट है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और एक और बात इसका दोस्तों, आपने क्या करना है, इसको पानी मतलब पसंद है आप इसको समय समय पर पानी देते रहें, नहीं तो आपका प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इस टाइम गर्मियों में स्पेशली आपने ध्यान रखना दोस्तों, इसको हर रोज़ पानी देना है। हर रोज़ मतलब कि हर रोज़ आपने इसको पानी देना है। अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो लीव्स है वो बर्न हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी, आपका प्लांट बहुत सुस्तूराम हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसमें ये दोस्तों बहुत सारे कलर में आता है, आप चाहे नर्सरी से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अभी आपको इसको अप्रैल तक इसकी अच्छी खासी ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, तो आप एक महीने के लिए इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उससे भी अच्छी केयर करी तो आपका ये अप्रैल मई तक भी रह सकता है आपके गार्डन में। तो ये दोस्तों आपका ये एक सदाबहार प्लांट भी, आप इसको अगले साल के लिए भी बचा के रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट बच भी जाता है, नहीं तो अगर आपका, आपको लगता है कि आपका प्लांट नहीं बच रहा है तो आपने क्या करना है, उसका अप्रैल में इसके जो मई मंथ में आपने इसके जो सीड है वो कलेक्ट करके रख देने हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इस तरह से आप बस इतनी केयर करनी है इसको। आप इसको दोस्तों जो इसमें डीएपी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप इसमें दोस्तों, मैंने इसमें कोई डीएपी नहीं डाली है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ओनली सिर्फ गोबर की खाद डाली हुई है इसमें, जो उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर। आप ऐसे ही इससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देखो मतलब कितनी कलियाँ बनी हुई हैं अभी भी, और ऊपर से देखो आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। जो डेड फ्लावर है उसको आप इस टाइम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ब्लूमिंग नहीं, अभी इसके सीड हमें नहीं चाहिए, अभी हमें नेक्स्ट मतलब अप्रैल तक हमें इसके सीड चाहिए, तब तक नहीं चाहिए। अप्रैल मई में हम इसके सीड कलेक्ट करेंगे अगले सीज़न के लिए, फिर आप एक पन्नी में इसको रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको अपनी और ब्लूमिंग दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ब्लूमिंग जो है कितने अच्छे से चली हुई है। ये मेरे कलांचू है जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ, देख सकते हो ब्लूमिंग। तो इस तरह से आप अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत कर सकते हैं, और अपने गार्डन में ढेरों फूल ऐड कर सकते हैं इस तरह से, देख सकते हो। और एक लंचो है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है, सीजनली है और परमानेंट प्लांट है। तो आप अपने, बस यही मुझे आप लोगों को दिखाना था, इतनी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, टेक केयर।